सामने खड़ी है सौतन, लेकिन कनक है बेबस। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। पति की हल्दी किसी और के साथ हो रही है, लेकिन कनक है एकदम खामोश। प्यार का रिश्ता टूट रहा है, लेकिन कनक है चुपचाप। तू सूरज में सांझ पियाजी में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि आज पौलमी को लग रही है उमा शाह के साथ नए रिश्ते की हल्दी। लेकिन अगर कनक के दिल में झांके तो भगवान करे कि ऐसी हल्दी किसी शादीशुदा लड़की को देखने को ना मिले। बेचारी कनक अपने ही पति की हल्दी में सज धज कर सारी रस्में निभा रही हैं। इधर कनक परिवार में रहकर अपना फर्ज निभा रही हैं, तो उधर उमा शाह भी अपने दिल पर पत्थर रख कर सारी रस्में निभा रहे हैं। लेकिन इस दर्द और खामोशी के बीच जो सबसे ज्यादा खुश है वो है पौलमी मैडम, और उनकी इसी खुशी में शामिल है मासी सास, जिनकी साजिश के चलते आज पौलमी उमा के साथ रिश्ता बांधने में कामयाब होती नजर आ रही है। फाइनली उमा ने कनक का साथ छोड़कर पौलमी के साथ रिश्ता जोड़ लिया है, इसीलिए तो पौलमी के चेहरा चमक रहा है। वैसे आज पौलमी और उमा शंकर के साथ साथ पायल और वेद की भी हल्दी हो रही है। मतलब एक तरफ कनक अपनी सौतन का स्वागत करेंगी और दूसरी तरफ अपनी भाभी का। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हल्दी के बाद जरा उमा और कनक का ये स्टोर रूम देखिए, जहां दोनों के बीच रोमांस दिखा। दरअसल कनक यहां स्टोर रूम में किसी काम से आई थी, और उनके पीछे पीछे उमा शंकर भी यहां पहुंच गए, तो कनक ने भी उमा के दिल की बात जानने का मौका नहीं छोड़ा। कनक उमा को बोल रही हैं कि वो उनके पीछे इसलिए आए हैं क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उमा शंकर अपने प्यार की निशानी मिटाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उमा ने कनक के हाथों से मंगलसूत्र छीन लिया, लेकिन उमा शाह का प्यार कनक के लिए इतनी जल्दी कहाँ खत्म होने वाला था। लाख चाहने के बाद भी मंगलसूत्र कनक से अलग नहीं हुआ और आकर उनके कपड़ों में लिपट गया। वैसे षड्यंत्र भरी हल्दी और शादी में कनक की सौतन पौलमी का श्रृंगार काफी खास नजर आया। फूलों के गहने पहनकर पौलमी बिल्कुल फूलमती लग रही है, तो देखना ये है कि अब कनक उमा शाह और पौलमी की शादी रोकने के लिए अब कौन सा दांव खेलती हैं। आज तक ब्यूरो।